दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी महिंद्रा ग्रुप के ऊपर, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वैकेंसी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैंने उसमें सारी वैकेंसी डिस्कस की है, तो मैं इसमें कोई भी एक वैकेंसी लेकर यहाँ पर मैं आप लोग को अप्लाई करना बताऊंगी। अप्लाई किस तरीके से करना वो जानेंगे, तो आप लोगों को जब आप लोग जॉब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर अप्लाई का साइन आएगा। अप्लाई साइन पे दो ऑप्शन ओपन होते हैं, तो गाइस दोनों ऑप्शन में से आप लोगों को देखिए, अगर आपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल अच्छा क्रिएट कर रखा है तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली और यहाँ पर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर सकें। अब गाइस यहाँ पर आप लोग का एक ऑप्शन ओपन होता है, ये जो ऑप्शन है इसमें आप लोग को ईमेल आईडी आपको फिलअप करना होगा, यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करना होगा। तो ये जो है इसमें ईमेल आईडी आप लोग फिलअप कर देंगे, जो भी आपकी मेन ईमेल आईडी है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड फिलअप कर देंगे। अब ये ईमेल आईडी और पासवर्ड कौन सा है वो भी मैं बता देती हूँ। जो स्टूडेंट हमारे पहले अप्लाई कर चुके होंगे ये उनका ईमेल आईडी पासवर्ड है। अगर वो लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड कर चुके होंगे कर देना, तो आप लोग का जो है कोड आ जाएगा, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर देना, ठीक है। अब लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि एकदम न्यू यूजर है जिन्होंने कभी भी अप्लाई नहीं किया है, उसको कैसे करना है। बात यहां पर यह आती है कि उसने कभी भी अप्लाई नहीं किया है तो उसको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो गाइज वो जो स्टूडेंट है बिल्कुल न्यू स्टूडेंट, वो जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप लोग क्लिक करेंगे, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है तो उनके पास एक इस तरीके का ऑप्शन ओपन होगा। यहां पर मैं आप लोग को बताती हूँ क्या क्या फिलअप करना है। जैसे देखिए ईमेल आईडी फिलअप करनी है, रिपीट पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर चूज पासवर्ड अगेन, मतलब आप लोग को चूज पासवर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अगेन रिपीट पासवर्ड कर देंगे, फिर फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, कंट्री डालेंगे और यहाँ कंफर्म कर देंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कर लेती हूँ, मैं आप लोग को यहाँ पर फिलअप करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग, मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर दी है दोनों जगह, यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड आप लोग इस तरीके का क्रिएट करें जहाँ पर मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक सभी शामिल हो जाएं। मैं थोड़ा आप लोग को बता देती हूँ, जैसे आप लोग का कैपिटल लेटर भी आने चाहिए। मान लीजिए आप लोगों ने के लगा दिया, एस लगा दिया, फिर स्मॉल ले लीजिए, जी लगा दिया, फिर आप लोग काउंटिंग वाला ले लीजिए, नाइन कर दिया, आई कर दिया, कोई स्पेसिफिक लेटर जैसे एट द रेट का ले लीजिए या फिर स्टार ले लीजिए आप लोग, उसके बाद आप लोग कोई भी इसी तरीके के आप लोग सारे मिक्स लेटर आप लोग जो है 8 से मैक्सिमम रखिए और जो है 16 से मिनिमम, मतलब 16 से तो जो है कम रखना और जो है 8 से जो है ज़्यादा रखना है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आप लोगों को करना है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग फिलअप कर लेंगे। जब फिलअप कर लेंगे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ आप लोगों को करना है इस तरीके से, ठीक है। जब आप लोग ये सब कर लेंगे तो आप लोग को करना है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे गाइस आप लोग सारी चीज़ें कर लेंगे तो यहाँ पर लिखा है टर्म ऑफ यूजेस, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इन टर्म एंड कंडीशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आप लोग तो आप सभी के सामने इस तरीके का टैब आ जाएगा। यहाँ करना है आप लोग को एक्सेप्ट। जब आप लोग एक्सेप्ट कर देंगे और कर देना क्रिएट अकाउंट, तो जैसे आप लोग क्रिएट अकाउंट पर करेंगे आप लोग का अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। और ये जो अभी आई डी पासवर्ड डाले थे, इन आई डी पासवर्ड को अपने पास में रखना, जो कि आगे आपको जरूरत देगी, क्योंकि आगे कभी भी आप लोग इसे यूज करते हैं तो इन्हीं आईडी पासवर्ड को यूज करना। ये देखिए दिखा रहा है, जिस भी ईमेल आईडी से यहाँ पर ओपन किया है वो दिखा रहा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर करना है, यहाँ पर साइन इन कर देंगे। जैसे आप लोग साइन इन करेंगे देखिए यहाँ पर आप लोग का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्म में देखिए ये काफी सारी चीजें दी गई है, मैं आप लोग को वन बाय वन बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को करना है सीवी अपलोड, यहाँ करना है कवर लेटर। ओके, तो मैं आप लोग के सामने सीवी अपलोड कर देती हूँ, कवर लेटर अपलोड कर देती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना रिज्यूम एंड कवर लेटर दोनों अपलोड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैं वन बाय वन बता देती हूँ क्या क्या फिलअप करना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट नेम अपना पहले से लिखा आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले फिलअप किया होगा, यहाँ पर ईमेल आईडी, उसके बाद मिडिल नेम आपका, लास्ट नेम, ठीक है। अगर आप लोग उसका बाद भर देंगे करेंट टाइटल, करेंट टाइटल जिस भी यहाँ पर देखिए टाइटल जो है करेंट भर देंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप लोग का फ़ोन नंबर, यहाँ
पर करंट कंपनी, अगर करंट कंपनी नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इश्यू वाला बात नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो एन ए कर दीजिए, ठीक है। एन ए मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, और हाउस नंबर अपना लिख देना, और उसके बाद एक्स्ट्रा एड्रेस डाल देना। देखिए ये आप लोग का पर्सनल एड्रेस है, इसमें आप लोग को अपना एड्रेस डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर कंट्री जो है अपना इंडिया सेलेक्ट कर देना, आपका पिन नंबर होगा आपकी सिटी का, सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोग का स्टेट होगा, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। देखिए अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि अगर आपने पहले जॉब किया है, तो आप लोग को वो सारी चीजें भरनी होंगी, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर देना, ओके। उसके बाद फॉर्मूला एजुकेशन, तो आप लोगों ने जो भी एजुकेशन किया है, जो भी कोर्स किया है, उसे भरेंगे। जैसे किस डेट को स्टार्ट किया था, किस डेट को एंड हुआ था, वो भरेंगे। इंस्टीट्यूट नेम भरेंगे, यहाँ से आप लोग अपना इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, काफी सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मान लीजिए आपके कॉलेज का नाम नहीं दिया गया, तो आप लोग अदर डाल दीजिए। उसके बाद अदर में आप लोगों को यहाँ पर अपना जो है कॉलेज का नेम डालना होगा, एजुकेशन लेवल डालना होगा, क्या एजुकेशन किया, मान लीजिए डिप्लोमा किया है आप लोगों ने, और यहाँ भी आप लोग को डालना होगा। यहाँ पर कोर्स नेम डाल लीजिए, कोर्स नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोगों ने कोर्स किया। जैसे यहाँ पर देखिए डिप्लोमा दिया गया, अभी देखिए ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ अगर आपने अदर में आप लोगों को, अगर आपने जैसे कि मान लीजिए डिप्लोमा नहीं अदर कुछ किया है, तो आप लोग वो डाल दिए, बट यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ब्रांच डाल देना अपनी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन यहाँ भी ब्रांच वगैरह डाल देना, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने डिप्लोमा डाल दिया, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट है, तो डिप्लोमा डाल दिया। अब अगर आपने अदर कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, तो वो भी डाल देना गाइस यहाँ पर। यहाँ अदर में कोई और क्वालिफिकेशन कर रखा है, जैसे देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, एक में आप लोग डाल देना ट्वेल्थ वगैरह डाल देना, एक में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन डाल देना, नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंथ और ट्वेल्थ डाल देना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपने फाइनल स्कोर डाल देना जो डिप्लोमा के, अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है हाईएस्ट, तो आप लोग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाली डालना, ठीक है। अगर आपने डिग्री कर रखी तो डिग्री डाल देना, जो भी है, मैं ग्रेजुएट और सभी के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट किया, जो हमारे ग्रेजुएट वाले वो यहाँ पर ये चीज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ड्यूरेशन कितनी ईयर का है, मान लीजिए 3 ईयर का किया है किसी ने, तो 3 डाल देना। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म डेट डाल देना, कोर्स जो है कंप्लीट किस डेट को हुआ है, यही सारी चीजें सेम डाल देनी है आप लोगों को। एजुकेशन लेवल देखिए, ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पर फिलअप की है, यही चीजें आप लोगों को सेम भर रही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आप को क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना, लैंग्वेज स्किल, आप लोगों को क्या क्या लैंग्वेज आती है इस पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज में मान लीजिए आप लोगों को इंग्लिश आती है या फिर हिंदी आती है, तो देखिए हिंदी अगर इसमें दे रखी होगी तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं दे रखी होगी तो आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो ये चीज आप लोग को देखनी होगी इसके अकॉर्डिंग, तो वही चीजें आप लोगों से देखी जाएंगी। तो मान लीजिए आप लोग को हिंदी दे रखी है, हिंदी आती है, उसके बाद आप क्या चीज़ फ्लुएंटली बोल सकते हैं, मतलब ये जो हिंदी है आप क्या फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छी बोल सकते हैं, एक्सपर्ट है बोलने में, तो एक्सपर्ट कर देना। और यहाँ से आप लोग कर देंगे एक तरीके से रीडिंग, आप लोग रीडिंग किस तरीके से करते हैं, मतलब अच्छे से एक्सपर्ट की तरह कर लेते हैं रीडिंग, हिंदी में तो सभी लोग कर लेते होंगे, बट आप लोग इंग्लिश चूज़ करेंगे तो और बेटर रहेगा। राइटिंग कैसी है आप लोग की, एक्सपर्ट वाली। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है लैंग्वेज का अपना कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो तो वो कर देना गाइस, अगर ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये डबल डबल ऑप्शन हो गए, ऊपर वाले में भी देखिए यहाँ पर भी डबल डबल ऑप्शन होंगे, तो देखिए इन्हें रिमूव कर लेना, ठीक है, ये इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने एक जगह भर दिया तो आप 10-10 जगह भरने की जरूरत नहीं है, एक जगह भर देना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने 2 जगह खोल ओपन कर दी, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे नेशनलिटी में आप लोग जो है क्या डालेंगे, आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो मान लीजिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर रही, तो आधार कार्ड हो गया, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को करना है अप्लाई, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आप लोग इसे अप्लाई कर देंगे, इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपनी पूरी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पूरा फॉर्म भर चुका होगा तो फिर से आप लोग इस प्रोफाइल को देख सकते हैं, बट आप लोग इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों की जो प्रोफाइल है यहाँ पर हो चुकी है कम्प्लीट, और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से सिंपल अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर आ जाएगा कैंडिडेट प्रोफाइल हैज सेव्ड, तो आप लोग की प्रोफाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। तो इसी तरीके से गाइस आप लोगों को करना है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके कर देना। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।